क्रेजी मेथड स्टडी फैमिली से जुड़ने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सारा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन हिट करें, ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूं उप यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पानीपत रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन पेपर, जो 2020 में 2 फरवरी को हुआ था एग्जाम, उसी का देखेंगे और बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को छोड़ के जाओ मत, पूरा अंत तक देखो। और एक न्यूमेरिकल भी पूछा था, उसका मैं डिटेल सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन इज, तो इसका राइट आंसर क्या था, 0। और वीडियो के अंत में आज भी एक सवाल रखा हुआ, तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। ये सब भाई हैं, इन लोगों ने सही सही आंसर दिया था, तो उनका मैं नाम इंक्लूड किया हूँ। आप भी आंसर सही दीजिए, आपका भी नाम मैं कल के वीडियो में इंक्लूड करूँगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में आपको 4 सेकंड सोचने के लिए मिला। ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसी को मैं करवा रहा हूँ। मैकेनिकल सील इज फिटेड इन विच पार्ट ऑफ पंप, बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगा। तो आप सोचिए, केसिंग, डिफ्यूजर, स्टफिंग बॉक्स या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टफिंग बॉक्स हो जाएगा। बिल्कुल, मैं 2 इमेज लिया हूँ, अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल दिमाग में जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैकेनिकल सील आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, इस पार्ट पे मैकेनिकल सील यहाँ शाफ्ट पे फिट होता है और इसी के बगल में स्टफिंग बॉक्स होता है। एक और इमेज दिखाता हूँ, इसमें एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक इमेज दिख रहा होगा, इसको हम येलो कलर जो यहाँ है इसको हम लोग सील बोलते हैं, और इसी के बगल में यहाँ पे सील जहाँ से शुरू होता है उसके पहले वाले पार्ट को स्टफिंग बॉक्स बोलते हैं। और ये इम्पेलर है, ये जो है इम्पेलर, ये इम्पेलर का जो वियर रिंग है उसका भी क्लियरेंस पूछा था, तो वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। अब बिल्कुल देखते रहिए। इसका कितना होता है, 0.4 से लेकर 0.6 mm तक होता है, ठीक है, इसका वियर रिंग का क्लियरेंस। तो बिल्कुल ये देखिए, ये इम्पेलर है, इम्पेलर के जो पीछे वाला पार्ट है यहाँ, वो स्टफिंग बॉक्स में आता है और यहीं पर हमारा सील जो है वो लगता है, मैकेनिकल सील। तो मैकेनिकल सील कहाँ फिट होता है, स्टफिंग बॉक्स में फिट होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट कोस्टल रिफाइनरी इन इंडिया, सबसे पहले समुद्री तट पे कौन सा रिफाइनरी बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हल्दिया रिफाइनरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपके लिए सोचने का टाइम मैंने नहीं दिया, पहले ही बता दिया, इसका राइट आंसर क्या होगा, हल्दिया रिफाइनरी, ठीक। और अगर बोले आपके लेटेस्ट कोस्टल रिफाइनरी इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा, पारादीप हो जाएगा, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन कौन किए थे, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। If a certain amount of dry ice is mixed with same amount of water at 80 degree Celsius, the final temperature of mixture will be, तो आप सोचिए, आपको सोचने के लिए मिलते हैं 4 सेकेंड, और बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन करूँगा, तो देखते रहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे पहले 2-3 डाटा याद कर लीजिए। मास हम लोग क्या ले लिए हैं, 1 ग्राम ले लिए हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है 1 कैलोरी पर ग्राम होता है, और लैटेंट हीट ऑफ आइस होता है वो कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो बिल्कुल ये 2 डाटा याद रखिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एक होता है 1 कैलोरी पर ग्राम, और लैटेंट हीट ऑफ आइस होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। यहाँ पे लगा दीजिए कैलोरीमीट्री, क्यू इज इक्वल टू एम एल प्लस एम एस डेल्टा टी, जो क्यू हम लोग जो 80 डिग्री पे वाटर रख रहे हैं इसको हमने यहाँ लिया है, तो एम का वैल्यू 1 ले लिया है, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। यहाँ भी एम एस डेल्टा टी होता है, तो डायरेक्ट एस का वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा टी का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं, कितना, 80 माइनस टी, क्योंकि जो टेम्परेचर है 80 डिग्री से वो डिक्रीज होगा, और ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे आइस, इसमें चेंजिंग आएगा, तो इसमें क्या चेंजिंग आएगा, देखिए यहाँ पे एम एल लिया हूँ, तो एम कितना लिया है, 1 ग्राम, और एल है लैटेंट हीट ऑफ आइस है, वो क्या हो गया, वो 80 हो गया, ठीक। और जो ये 80 होने के बाद ये क्या हो गया, अब ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। 80 होने के बाद क्या हुआ, ये वाटर में कन्वर्ट हुआ। अब जो है ये टेम्परेचर 0 डिग्री से कितना बढ़ेगा, यहाँ पे मैंने लिया है, तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लिया, एस का वैल्यू 1 लिया, और अब टेम्परेचर है 0 डिग्री से बढ़ने की कोशिश करेगा, बढ़ता है या नहीं वो डिपेंड करता है, लेकिन बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 80 माइनस टी इज इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाए 80 प्लस टी, 80 माइनस टी इज इक्वल टू 80 प्लस टी, ठीक। यहाँ पे 0 का वैल्यू तो खत्म हो जाएगा, वो सब निकलेट, और 2t इज इक्वल टू टी, और t इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। एक भाई का कन्फ्यूजन था,
वो भी अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उनका भी कन्फ्यूजन है दूर होता है और आप भी बिल्कुल सीखिए। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज फॉर हाई डिस्चार्ज, लो प्रेशर कि बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर टाइप कीजिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए और फटाफट से कमेंट कीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, और लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो रखा था उसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और कहाँ से पढ़ना है इसके लिए मैंने कैरिजे मेथड स्टडी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन बना दिया है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ ऑलरेडी आते रहते हैं, जैसे इसरो के हो गए और सारे क्वेश्चन जितने भी आते रहते हैं मेरे पास, मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर लाइफ, हैव ए नाइस डे।